तहलका इंडिया न्यूज़, प्लीज लाइक एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। महाकाल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, आईपीएल सट्टेबाजी को गिरफ्तार किया है, 5 लाख की सामग्री बरामद की। उज्जैन पुलिस कप्तान मनोज कुमार सिंह के निर्देशन पर महाकाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। आईपीएल सट्टेधारियों को 5 लाख की सामग्री के साथ गिरफ्तार किया। इसके पहले भी उज्जैन पुलिस डायरी में दर्ज है आरोपियों के खिलाफ कई अपराध। तहलका इंडिया के लिए जगदीश परमार की रिपोर्ट। आईपीएल शुरू होने के बाद से ही हम लोग इसमें लगे हुए थे और सूचनाएं मिल रही थी कि सट्टा है, लेकिन स्थान का पता नहीं चल पा रहा था। आज मुखबिर ने बहुत ही सुस्पष्ट जगह हमको बताई और वहां बताया कि बूरा अपने मकान में आईपीएल का सट्टा ले रहा है। तब सीएसपी साहब को बताया गया और फोर्स को लेकर के उनके साथ में हम लोग गए और गया के घेरा डाल करके व्यवस्थित तरीके से साफ पास वाले मकान से हम लोग वहाँ पर कूदे। तब ये दो आदमी भूरा पिता रसीद खान और ईशान पिता उस्मान खान, ये दोनों कज़िन हैं, ओल्ड मोहल्ला के रहने वाले हैं, इनको वहाँ पकड़ा गया। ये अब कमरे में 2 टीवी और 7 मोबाइल, इन पर लगातार क्रिकेट का मैच देख करके बाल और बैट अनुसार और रनों के अनुसार सट्टा ले रहे थे, इनको पकड़ा गया वहाँ। इसके अलावा और भी कोई सामग्री जब्त की गई? इनके पास से कैलकुलेटर और जो रजिस्टर है हिसाब का वो जब्त किया गया है, करीब 5 लाख के आसपास का इसमें अभी हिसाब हुआ था, वो जब्त कर लिया गया। और भी बढ़ सकता है, थोड़ा देखना पड़ेगा, उसका विश्लेषण करना पड़ेगा। पुराने कोई अपराध? भूरा पिता रशीद के पुराने सट्टे के कुछ अपराध हैं, लेकिन अभी देख कर बता पाएंगे कितना उसका।